नमस्ते, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी बज रही है मेरे 4 बजे। तो मैं आप लोग को लेके चलती हूँ बाहर की नजारा दिखाने के लिए। तो बाहर ना बहुत अंधेरा हो रखा है, फिर भी ना कुछ भी नहीं दिखने आ रहा था। तो मैं, आप देख सकते हो सुबह की माहौल है ना, इतना शांत सा और सुन प्यारा सा। तो फिर उसके बाद मैंने अंदर आ गई। सुबह उठते ही ना गैस, मैंने ना पहले मैंने गेट खोल के ना बाहर की थोड़ी सी खुली हवा लेती, और थोड़ी सी मैंने 10-5 मिनट खड़ा होने के बाद तो मुझे ना फिर ना अंदर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह का जो नज़ारा देखने में ना, बहुत अच्छा लगता है। वो सुबह के टाइम ही हम देख पाते हैं, ऐसे ही किसी भी टाइम आप देख नहीं पाओगे। बस सुबह 4-5 बजे जो शांत वाली जो मोहल्ला है ना, वो अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने हाथ मुंह और ब्रश वगैरह धोने के बाद पानी पी, फिर मैंने यहाँ सोचा मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जो एक्सरसाइज मैं करते आ रही हूँ अभी 2-4 दिनों से, तो वो सारे एक्सरसाइज मैंने किया। तो मैं आज ना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो गाइस मैंने आज एक्सरसाइज 7-8 कम से कम एक्सरसाइज किया। और जहाँ पे किया, जो भी एक्सरसाइज किया मैं 50-50 करके किया, तो 7-8 एक्सरसाइज में मेरे को टाइम भी लग गया था। तो 1 घंटा आसपास गाइस मैंने एक्सरसाइज किया। फिर उसके बाद ना 5 मिनट मैंने बैठ गया, तो मैंने सोचा पहले ना मैं कपड़ा धोने के लिए लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि गाइस आजकल ना पानी की दिक्कत बहुत चल रही है यहाँ पे। तो उसकी वजह से मैंने 2-3 दिनों से कपड़ा नहीं धोया, तो बहुत सारे ढेर सारे कपड़ा हो गया। तो मैंने सोचा एक बार में तो नहीं धुलेगा, 2 बार में धुलेगा। तो अभी सुबह सुबह ना कोई भी नहीं उठा, तो उससे पहले मैं ही काम खत्म कर लेती हूँ। तो जब तक मशीन लगा दिया हूँ और मैं झाड़ू पोछा भी यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। और गाइस हमारी जो यहाँ पे बेड रखी थी, तो वो बेड हमने दे दिया किसी को, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमारी घर में जो 2 बेड थी, तो बेड हमारी नहीं थी और दूसरी किसी की थी, तो उन्होंने हमको कुछ दिनों के लिए यूज करने के लिए दिया था। तो अब उसका जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने कह रहा हमको 2 बेड दे दीजिए, तो हमने दे दिया वो 2 बेड। और ऐसे भी गाइस हम लोगों ने ना पहले जो शिफ्ट हुए थे ना, तो हमने बेड लेके रखे थे, लेके रखा बेड। फिर उसके बाद फिर दोबारा जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो बेड को ना हमने बेच दिया। इसीलिए बेचा क्योंकि जो घर शिफ्ट करने के ना बहुत दिक्कत होते, बड़ा बड़ा सामान ऊपर नीचे करने में ना बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमने वो बेड को ना हमने बेच दिया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कोई बेड फैट हम नहीं लाएंगे, और चाहे गद्दा हम ऊपर नीच कोई भी कर सकता है, कोई भी गाइस कर लेगा गद्दा वगैरह, लेकिन वो बेड वगैरह ना कोई भी नहीं उठाना चाहते। बेड हो, भारी सोफा हो, तो कोई भी उठा के मतलब पहुंचाना नहीं चाहते घर के अंदर, क्योंकि इधर की जो जीना वगैरह है ना काफी छोटा है और चढ़ाना बहुत। हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे जो रेंट की घर में रहते हैं ना, धीरे धीरे सामान लेके भर लेते हैं। जब रूम खाली करने का जब टाइम आता है ना, तो गाइस क्या बताऊं, जो खाली करता है ना उसको पता है इतना सामान हो जाता है ना, आप पूछो ही मत। छोटा मोटा तो चलो थैले में भर के आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन बड़ा बड़ा सामान ना बहुत दिक्कत होती है। जैसे सोफा हो गई, बेड हो गई, अलमारी हो गई, ये सारे चीजें बहुत दिक्कत होता है। तो हमने सोचा आप कुछ भी नहीं लेंगे। और ऐसे भी गाइस बताऊं तो जो शिफ्ट वाला रूम में ना, जैसे हम कोई घर में हम शिफ्ट करके रहते हैं ना, तो ज्यादा सामान लेके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दिक्कत होती है रूम मतलब चेंज करने में, शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से हमने 2 बेड हमने उनको दे दिया है, और उनका जो जो चीजें थी तो हमने कुछ दिनों के लिए यूज किया। तो हमने सोचा पहले पहले जब हमने यूज करने लगे ना, तो शुरुआत में हमको भी बहुत अच्छा लगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ना ऐसे होने लगा जो घर ना भरा भरा सी लग रहा है। फिर इनको कहने लगी घर ना भरा भरा सी लग रहा है, अब बेड ना दे दीजिए। तो इन्होंने कह रहे कोई बात नहीं, रहने देते, जो इन्होंने दिया तो यूज करने के लिए, हम कुछ जितना दिन यहाँ पे रहेंगे तो यूज कर लेंगे, फिर उनको दे देंगे। फिर इन्होंने ऐसे कहने लगी, तो मैंने ना चुप हो गया। फिर 2-3 दिन बाद ना उनका फोन आया, तो उनको और किस कामों के लिए चाहिए होगा, तो इसलिए उन्होंने बैठ। तो गाइस मैं सोचता हूँ ना, रेंट के घर में ना कम से कम कम सामान लेके रखोगे ना, तो हमारे लिए भी भलाई है और शिफ्ट करने बहुत आसान होता। तो मैंने यहाँ आने से पहले, मेरा हस्बैंड तो बहुत सारी चीजें भी लेके रख लिए थे, तो उन्होंने सोचा था ऑफिस में कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा सोफा ले लेते, फिर टेबल ले लिया, फिर चेयर ले लिया, ऐसे करते करते
थोड़ा बहुत सामान है, लेकिन हमारे पास भारी भारी सामान है ही नहीं। तो हम कोशिश करते हैं हम और कुछ चीज लाएंगे, लेके आएंगे नहीं जो भारी सामान। लेने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी मन करेगा तो अभी लेके आ जाओ, लेकिन जो शिफ्ट करते हैं ना तो बहुत दिक्कत होता है। जो रूम चेंज करके दूसरा रूम में जाओ ना तो आधा सामान तो सफर में ही टूटने लगता है। क्योंकि मेरा ना दो चार सामान, दो चार से भी ज्यादा होगा गाइस, क्योंकि मैंने तो गिनती तो नहीं किया, टूटने लग गए। क्योंकि मैंने प्लास्टिक की डिब्बा वगैरह, वो भी प्लास्टिक की डिब्बा भी टूट गए, बाल्टी और मक्का और कुक किचन के कुछ सामान भी, गिलास वगैरह, वो भी शीशा की थी गिलास, वो भी टूटने लगी। तो इसकी वजह से ना मैं डरती हूँ, थोड़ा थोड़ा सामान लेने से पहले ना सोचता हूँ लूँ कि ना लूँ। लेकिन गाइस औरत को तो शौक तो होती है घर में सारे चीज लेके रखना, और मेरा अपना घर हो ना मैं अभी क्या अभी सारे सामान भरना दूँ, तो मन तो करता है सारी चीजें लाने के लिए। लेकिन हाँ ये सोच के मैं नहीं लाती हूँ, क्योंकि हम रेंट में रहते हैं, कभी भी चेंज करके हमको इधर से उधर जाना पड़ता है। तो हमेशा मैं सोचता हूँ थोड़ा सा जितना हो सके कम चीजें हम रखें, जितना जो चीज की ज्यादा जरूरत है ना वही चीज में ज्यादा यूज करूँ। तो यहाँ पे गाइस तो आज गाइस मैंने पूजा फूल से नहीं किया, फल से भी नहीं किया, आज पूजा बिना फूल से किया। और प्रसाद में मैं चढ़ाया, थोड़ी सी हलवा बना लिया था सुबह सुबह नहाने के बाद, आके ना किचन में पहले हलवा बना लिया था। तो इनको भी ब्रेकफास्ट नहीं करना था, मैं यहाँ पे बना रही हूँ बस बेटे की लाइक बना रही हूँ और मेरे लिए बना रही हूँ। सूजी के हलवा हम माँ बेटे को दोनों को पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी बनाया था आधा कटरी की करीब, तो उनके लिए हो जाएगा, बस उन्होंने थोड़ा सा खा के जाएंगे और लेके ऑफिस नहीं जाएंगे। तो मैं अभी माँ बेटे के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सूजी की अप्पम, तो ये बेटा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने बोला ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ और दो बिस्किट के साथ, तो यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी और दो बिस्किट के साथ मैंने लेने लगी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम करने के बाद ना भूख लग गई। फिर मैंने बैठी नहीं, फिर तुरंत मैंने कॉफ़ी फिनिश करने के बाद आ गई यहाँ पे अप्पम बनाने के लिए। ये मेरे को लगता है बहुत ईजी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और झटपट बन के रेडी भी हो जाता है। जिस दिन गाइस मुझे थोड़ा सा लेट हो जाते ना, तो ऐसे ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ जो जैसे टाइम ना लगे और खाने में भी अच्छे लगे और सबकी पसंद की भी बनाती हूँ। जैसे हो गई पुआ, उपमा, उपम, किसी दिन चीला बना दी, तो ऐसा कोई चीज़ बनाती हूँ। रोटी पराठा वगैरह बनाती तो हूँ, लेकिन कब बनाती हूँ, जब छुट्टी का दिन में पराठा वगैरह बनाती हूँ, और जिस दिन मेरे को टाइम रहता है हाँ इस टाइम में बना पाऊंगी तो बना देता हूँ। तो मैंने बना लिया हूँ गैस, अब मैं इसके साथ नारियल की चटनी बनाया। तो बेटे को नारियल की चटनी पसंद है, लेकिन ये तीखा नहीं है, इसमें थोड़ी सी हरा धनिया डाल के मैंने पीसा। ऐसे में डालूंगी ना तो बिखर जाएगा, तो इसकी वजह से मैंने एक छोटा सा डिब्बी में भर के, और ज़्यादा नहीं बनाया मैं यहाँ पे, चार बनाया अप्पम। तो थोड़ा सा बेटा को लिए भी पैक कर दूंगी और थोड़ा सा हम दोनों खा लेंगे। तो हल्की हल्की तो ब्रेकफास्ट ही करनी होती है। फिर आज ना गैस फल फ्रूट कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह में मैं रख देती हूँ ड्राई फ्रूट। तो आज इसको काजू दिया रखा है और ये बन गया इसका टिफिन बॉक्स रेडी हो गया। तो ये करके रख देती हूँ ना तो बाकी काम मेरे को आसान रहता है। तो अभी पहले से मैं इसको पैकिंग करके रख दिया, फिर उसके बाद बेटा को मैंने नहला के फिर इसको कपड़ा पहनाया स्कूल की, क्योंकि इसका एक हर रोज की एक वो रहता है स्कूल नहीं जाना, आज क्यों जाना, आज छुट्टी है, ऐसे ही कहते रहती है। फिर भी गाइस इसको ना मक्खन लगा लगा के मैं स्कूल भेजते रहता हूँ, क्योंकि अभी से इसको आदत नहीं डालेगा ना फिर आगे जाके ना इसका आदत वो हो जाएगा, तो जब भी स्कूल जाने का टाइम होगा ना ये रो के बैठ जाएगा स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है। फिर ये ना कंघी करने मुझे नहीं दिया, फिर मैंने इसको बोला मैं आपके लिए कोई अच्छा चीज़ बनाया, फिर ये ना खुश हो गया, फिर कह रहे मम्मी मुझे गोदी लेके दिखाओ। फिर मैंने यहाँ पे लेके तो आ गई, लेकिन इसको ना एकिंग नहीं हुआ, इसके टिफिन बॉक्स में मैंने क्या रखा, जब तक वो अपना टिफिन बॉक्स खोल के नहीं देखेगा व मैं नहीं दिखाऊं तो एकिंग नहीं करता, मैंने क्या दिया इसके अंदर। तो ये देखने की बात ना इसको तसल्ली हो गई, तो आज इसको स्कूल भेजने का ड्यूटी मेरा है, मतलब स्कूल ले जाने का, क्योंकि इनकी पापा ना सुबह जल्दी चली गई थी, उनके पास टाइम नहीं रहा, तो आजकल ऑफिस में थोड़ी सी बिजी चल रहा है, तो उन्होंने कह रहा था इसको छोड़ के और ले आने का ड्यूटी मेरा है। तो फिर मैंने इसको ब्रेकफास्ट कराया, फिर मैंने सोचा इसकी साथ ही मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे भी तो घर पे ना गाइस कितना भी काम करते रहो लेकिन काम नहीं खत्म होने वाला है।
और मेरे को लग रहा है आज मेरे को दो हाथ भी कम पड़ रहा था काम के लिए। तो फिर ना इसका टिफिन बॉक्स पैक किया, फिर इसको ना बहुत समझाया, फिर इसके ना बहुत सारे बातें करते रहे। फिर मैंने इसको कहा बेटा लेट हो रहा है जल्दी तो चलो। गाइस आपके घर में भी छोटा बेबी है तो आपके साथ भी ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि बच्चे को मतलब अच्छे से प्यार से समझा के तैयार करने में और स्कूल भेजने में ना कम से कम 2-3 घंटा तो आराम से ही लग ही जाते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसा नहीं होता है, आराम से वो तैयार होके चली जाते हैं, और कोई कोई बच्चा ऐसा है जिद पकड़ के बैठता है मुझे स्कूल नहीं जाना स्कूल नहीं जाना। उसको समझा के प्यार से इसको तैयार करके भेजने में ना बहुत टाइम निकल जाती है। फिर यहाँ पे माँ बेटा मिलके ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। फिर यहाँ पे बेटा भी जो चटनी बनाया था उसी चटनी से हमने ब्रेकफास्ट किया। गाइस आप लोग भी कर लीजिए। फिर उसके बाद बेटा को मैंने लेके चल पड़ी स्कूल, तो ये कहने लगी मम्मी मुझे गोदी से जाना है। अच्छा एक चीज़ की ना गाइस मुझे टेंशन नहीं लेने पड़ता है, इसलिए क्योंकि इसका स्कूल ना बहुत पास है, बस 5 मिनट का रास्ता है। तो आना जाना सोच लो 6 मिनट का रास्ता है। ये सामने वाला पेड़ नहीं दिखाई दे रहा हो, पेड़ की पीछे ही है, तो इसकी वजह से मुझे टेंशन लेने नहीं पड़ता है। क्योंकि थोड़ी सी लेट भी हो जाती है ना तो ये मतलब पीछे ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फिर बेटे को ना मैं छोड़ के आ गई हूँ गाइस, और उसके बाद मेरा काम रहा। मैंने ना प्लाजो पहनी थी तो प्लाजो ना बेटा ने गीला करवा दिया था, तो इसलिए मैं लेगिंग पहन के गई। फिर यहाँ पे सारे जो पैदानी है ना तो वो भी गीला था तो उसको भी सुखाया, और छोटे मोटे कपड़े रह गई थी तो मैंने सोचा ना मैं यहीं पे सुखा देता हूँ, क्योंकि यहीं पे ना छोटे मोटे कपड़े उड़ेगा नहीं और बड़े बड़े कपड़े ना मैं छत के ऊपर सुखा दिया हूँ, तो छोटे छोटे कपड़े को मैं यहीं पे सुखा देता हूँ। और ऐसे भी छत के ऊपर ना जाएगा नहीं मिला क्योंकि कपड़ा इतना सारे हो रखा था। और इसके बाद मैंने बेटा को छोड़ने आने के बाद जो छोटा मोटा काम है वो निपटाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा आज थोड़ा सा टाइम है तो ये जो अलमारी की जो सामान है ना निकाल के फिर मैंने इसको साफ करने लगी, क्योंकि गाइस नवरात्रि आने वाली है तो ये सारे चीज़ें ना मैं इसलिए सारे सामान बाहर निकाल के देख रहा हूँ तो इसमें क्या क्या सामान मुझे लाना है नहीं लाना है और क्या क्या चीज़ मेरे पास है। तो ये वाली जो दराज में ना बहुत सारे सामान मैं रख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा सामान गाइस है नहीं। और यहाँ पे पूजा की सामान मैंने एक्स्ट्रा कुछ लेके मैं रख लेती हूँ और पहले से रखा हुआ है, मैंने पहले जो शिफ्ट हुई थी ना मैं पहले से मैंने थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके रख लिया। फिर ये वाली जो गैस जो ऑयल है ना गैस यहाँ पे दिया ऑयल कहते हैं इसको, और ये जो ऑयल ना 5 तरीके से ऑयल से बना हुआ है, लेकिन ये ऑयल ना जैसे खाने वाला कुकिंग ऑयल से थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन ये सही रहता तो मैं है दिया ऑयल से पूजा की दिया वगैरह जलाती हूँ, और जिस दिन मन करता है ना बाई चांस मैंने घी से जलाती हूँ, और नहीं तो अदरवाइज मैंने इसी वाले ऑयल से पूजा वगैरह और दिया वगैरह जलाती हूँ इसी ऑयल से। तो गाइस ये इसी अलमारी में जितना सामान था मैंने अच्छे से सजा के रख दिया हूँ, अच्छे से पोंछ भी दिया हूँ, और मैंने पानी से नहीं पोंछा क्योंकि ये चीज़ें ना लकड़ी का है, पानी से पोंछेंगे ना ख़राब हो जाएगा। तो और जो फालतू सामान है मैं एक पिन्नी के अंदर भर भी दिया और अच्छे से सफाई कर दिया, बहुत सारे जाएगा भी है और कुछ रखने के लिए, तो मैंने सोचा ये भी साफ कर दिया। तो और मंदिर की नीचे वाली बॉक्स भी मैं साफ कर देती हूँ। तो जितना सारे किताब था मैं निकाल के एक टिशू के ऊपर रखा, क्योंकि कहते हैं किताब को ना मिट्टी में मतलब ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने सारे सामान निकाल के अच्छे से पोंछ के फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। तो गैस मेरे को जितना हो सके मैं उतना ही सफाई कर लेती हूँ, जब मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना तो उसी हिसाब से मैं साफ कर लेती हूँ। और सफाई करने के बाद ना अब लंच बनाने का टाइम आ गया है, तो लंच में बना रही हूँ मैंने यहाँ पे दाल, तो 4-5 मतलब दाल मिला के बना रही हूँ, और यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स सब्जी और चावल। अभी जो खाना बना रही हूँ तो गैस मैं अभी शाम का भी खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि शाम को और दोपहर की खाना एक साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी हम माँ बेटे हैं और शाम को उन्होंने भी आ जाएंगे, तो थोड़ी सी सब्जी में एक्स्ट्रा बना लिया तो अभी भी खा लेंगे, थोड़ी सब्जी बच जाएगी तो रात को भी खाई जाएगी। और यहाँ पे धनिया भी पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैं धनिया को यहाँ पे धूप में सुखा दिया, और सब्जी ज़्यादा मसाला नहीं डाला मैं, सिंपल तरीके से सब्जी बनाया। और गैस मैं आजकल ना कोशिश करती हूँ सिंपल तरीके से सब्जी
ऑयल मसाला ज़्यादा ना हो और इनको भी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं डालता ही नहीं हूँ। तो ये सब्जी भी बन गई और उधर चावल भी बना रही हूँ। और इनकी फ़ोन आ गया था जीन्स धो के सुखाने के लिए, तो मैं तो भूल ही गई थी। जब बेटे को मैंने नहलाया था ना तब तो मैंने गर्म पानी में जीन्स को मैंने भिगा दिया था। उसके बाद मैंने स्कूल से जब आया छोड़ के बेटे को तब तो पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रुक के तभी मैं जीन्स में धोऊं। तो आप देखा तो थोड़ा सा पानी आया तो जल्दी जल्दी मैं धो के सुखा दिया हूँ, क्योंकि इनको कोई पार्टी है इसको पहन के जाना भी है और धूप भी अच्छे खासे नहीं निकला और सूखने में भी टाइम लग जाएगा। और थोड़ी सी कपड़े ना छत के ऊपर सुखाया था तो सूख गई थी, थोड़ी सी कपड़े मैं उठा के लेके आ गई। और थोड़ा सा कपड़ा अभी गीला है तो मैं सोच रही तो अभी नहीं, देखती हूँ जब सूखेगा तभी उठा। तो गए अभी बज गया एक, फिर बेटा को लेने के लिए स्कूल चली गई थी फिर लेके आ गई हूँ, क्योंकि इसको टाइम से लाना भी होता है। फिर इसके मैं अभी करने वाली हूँ मुंह हाथ धुलाना, फिर कपड़ा चेंज करना, फिर लंच में जो हमने बनाया था दाल और वेजिटेबल सब्जी और चावल, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया गाइस क्योंकि हम दोनों ही खाने वाले हैं। तो इनकी जो पापा नहीं रहते ना तो इतना सा बनाती हूँ, और जब रहते तो थोड़ा सा रायता पापड़ वगैरह भी तल लेते, लेकिन आज उन्होंने है नहीं तो हम माँ बेटे ने वही खाएंगे।